6. Compound propositions with implication and its structural. सबसे पहली बात कि compound propositions बनते किस तरह हैं implication के साथ. उसके लिए connectives use होते हैं to build up compound propositions with implication. मतलब देखें इस तरह. अब ये और एक connective है and it connective है, वो ये implication है. Compound proposition होता क्या है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक compound proposition है. किस तरह है कि इसमें दो statement हैं और connective के साथ मिली हुई हैं. जैसा कि मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल दिया था कि इट इज संडे एंड इट इज हॉलीडे, दो स्टेटमेंट कह दी और बीच में एंड डाल दिया तो दोनों क्या हो गई, मिल गई. ये मिल गई, एक बात बन गई बड़ी, तो इसे कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं. तो इसमें दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है और विद किस इम्प्लीकेशन. और इम्प्लीकेशन क्या थी, इम्प्लीकेशन ये थी कि एक बात दूसरी बात पे कंडीशन करती है. मतलब कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, इफ देन. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा तो फिर ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा, इफ देन. तो इन दोनों की कंडीशन है. अब इस ये कहलाती है कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन. अब ये असल चीज जो हमारे काम की होगी, जो हम करते हैं पढ़ने के टाइम, तो ये होता है कि हम इसको साबित करते हैं कि आखिर ये चीज वाकई ऐसा है कि नहीं है. तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं साबित करने के लिए. तो कंसिडर द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन. क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बात कही गई है, ये जो स्टेटमेंट पेश की गई है, क्या ये सच है. तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं. तो कब कब सच होगी ये स्टेटमेंट हमें पता चल जाएगा उससे. तो हम उस हिसाब से वो ट्रुथ वैल्यूज रखेंगे, उस टाइम वो साबित होगी सच. तो उसके लिए टेबल बनाने के लिए क्या होता है मेथड. सबसे पहले बनाते हैं टेबल. टेबल बना दिया, उसका हम टाइटल लिखते हैं, जो टाइटल होगा ट्रुथ टेबल ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू. ये ट्रुथ टेबल बन गई हमारी. अब दूसरा काम सबसे पहले ये होता है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं, हम उसके कॉलम्स बनाते हैं. इसमें कितनी स्टेटमेंट, दो, तो हम P एंड Q का दो कॉलम बनाएंगे. अगर जितनी कॉलम्स होते हैं हम उतनी स्टेटमेंट के कॉलम्स बनाते जाते हैं. इसमें सिर्फ दो थी तो हमने दो बना लिए कॉलम P एंड Q के. अब उसके बाद कितनी वैल्यूज हम सपोज करें, मतलब कितनी रोज बनेगी हमारी नीचे, वो डिपेंड करता है एक फार्मूले पे. वो ये है फार्मूला, एन की पावर टू की पावर एन. मतलब एन करता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. इसमें दो थी तो हम क्या करेंगे, टू की पावर टू, कितने होंगे, फोर. अब हमारे पास फोर रोज बनेंगे, मतलब फोर ट्रुथ वैल्यूज हम सपोज करेंगे. तो सबसे पहले ये बात हो गई कि हमें नीचे कॉलम्स रोज कितनी बनानी है, फोर. तो हम फोर रोज बना देंगे. अब हम सपोज करेंगे वैल्यूज यहाँ पे, कभी ये ट्रू कभी ये फॉल्स, कभी ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे मैंने एक बार सपोज की ट्रू, दूसरी बार यहाँ पे फॉल्स, फिर ट्रू फॉर फॉल्स, यहाँ पे दो बार, फिर यहाँ दो बार फॉल्स, ऐसा क्यों. क्योंकि ये बनाने का एक तरीका होता है. क्या तरीका होता है कि जो जो पहली स्टेटमेंट होगी इस तरफ से, राइट की तरफ से, वो होती है टू की पावर जीरो. और टू की पावर जीरो क्या होगा, वन होगा. और टू की पावर वन अगली स्टेटमेंट होगी जो कि टू होगा. जितना जो आगे स्टेटमेंट आती जाएंगी वो टू की पावर टू, इस तरह टू की पावर थ्री, इस तरह आगे चलती जाएंगी जितनी हमारी स्टेटमेंट होगी. तो ये क्या हुआ, टू की पावर जीरो वन हुआ, ये क्या हुआ टू हुआ. यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे दो का डिफरेंस, बस ये रखना है हमें. यहाँ पे एक बार टू फॉल्स, एक बार टू फॉल्स, यहाँ दो बार टू, दो बार फॉल्स, दो बार टू, दो बार फॉल्स. इस तरह यहाँ पे क्या होगा, टू टू पावर टू हो गया, तो टू टू द फोर, यहाँ फोर टू फोर फॉल्स, इतना होगा. तो ये बनाने का तरीका होता है, ट्रुथ टेबल सपोज करने का तरीका होता है. सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करते हैं इससे, उसके बाद ये तरीका लिखते हैं. अब हम अपना काम करते हैं जो हमें कंडीशन दी गई है. अब क्या है, सबसे पहले तो हम इस वाली ब्रैकेट पे आते हैं, पहली वाली कंडीशन पे. इसके अंदर क्या है, एक तो पी, पी हमारी बनी हुई है. उसके बाद हमें क्या बनाना है, नेगेशन ऑफ क्यू. तो सबसे पहले नेगेशन ऑफ क्यू बनाएंगे. कॉलम दिया, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, फॉल्स का क्या होगा ट्रू, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, फॉल्स का क्या होगा ट्रू. क्योंकि नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है कि अपोजिट बनाना, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ. सिंपली हमने ये बना लिया. अब हमें ये वाली कंडीशन बनानी है, मतलब इस पी और इस क्यू का और करना है. और के अंदर क्या होता है, एक भी ट्रू तो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाती है. तो इसमें ट्री है, ट्रू है तो ट्रू आ गया. इसमें ट्रू है तब यहाँ पे ट्रू आ गया. यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, सिर्फ इस कंडीशन में ये फॉल्स हुआ, बाकी यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आ गया. तो एक भी ट्रू तो ट्रू. तो ये हमारी ये वाली कंडीशन बन गई. अब हम ये बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद दोनों की इम्प्लीकेशन होगी. तो इसका कॉलम बनाया ये पी एंड क्यू, पी एंड क्यू. तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक भी फॉल्स तब फॉल्स, माना हर बार ट्रू. मतलब हर बार ट्रू मतलब क्या होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, वरना
फॉल्स, बस में सिर्फ जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स। तो इसमें दोनों ट्रू थे तो ट्रू हो गए, इसमें एक फॉल्स आ गया, मैंने कहा ना एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इसमें एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू जब दोनों ट्रू थे, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, भाई दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, ये हो गया। अब दोनों बन गई, अब दोनों की इम्प्लीकेशन करनी है, कॉलम बना दिया। इम्प्लीकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था जब ये होगा तो ये होगा, तो उसके लिए क्या है ट्रू पे ट्रू, मतलब ये बात मैंने कही दी तो ये होगा, तो साबित हो गई, सही बात है। अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं चेंज टैक्सेस कम कर दूंगा, बात साबित हो गई। मैं इलेक्ट हो गया लेकिन मैंने टैक्सेस कम नहीं किए तो ये बात गलत हो गई, तो ये फॉल्स। मैं इलेक्ट भी नहीं हुआ, चेंजिंग भी कम नहीं किए, मतलब मेरी स्टेटमेंट हुई नहीं, तो ये भी ट्रू। मैं इलेक्ट हुआ लेकिन मैंने टैक्सेस कम नहीं किए, तब ये बात गलत। तो ये एप्लीकेशन का तरीका था जो मैं आपको पहले समझा चुका था, बस हमने वही किए हैं, स्टेटमेंट हमारी बारी दो बार गई थी। बस इस तरह हमारी ट्रू टेबल बनती है कंपाउंड प्रोपोर्शन विद एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।